नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर शिमला में इस समय पर मौजूद है। बजट सेशन का पहला ये दिन है और पहले ही दिन हम ये कह सकते हैं कि सीएम से मिलना या स्वास्थ्य मंत्री से मिलना ये शुरू हो गया है। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ कन्याएं आप देख पा रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम के रिजल्ट आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन ये स्टाफ नर्सेज जो है इन्होंने कमीशन के थ्रू एग्जाम दिया था, पोस्ट कोड 933 अगर मैं गलत नहीं हूं। फाइनल रिजल्ट आ गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, बावजूद उसके अभी तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं शिखा, पोस्ट कोड 933 की कैंडिडेट बात कर रही हूँ। सर हमारी ज्वाइनिंग अभी तक स्टिल पेंडिंग है, अभी इतनी नर्सिस की पोस्ट खाली चल रही हैं। तो सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइनिंग कराई जाए। और सर अगर हमारे केस में कुछ इशू है तो सर प्लीज हमें ना सजा दे के जो दोषी हैं सिर्फ उनको सजा दी जाए, और बच्चे इसकी वजह से सफर ना करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फैमिली कंडीशन भी सही नहीं है, और कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं इसी वजह से। सर हम क्यों इस वजह से सफर कर रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग क्यों अभी तक नहीं आई है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, कुछ ऐसी जानकारी, कितने सिलेक्ट हुए, क्या चीज है, थोड़ा सा कब एग्जाम हुआ, कैसे चीज है? सर अराउंड 16,000 के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 271 के अराउंड सर जो थे वो बच्चे क्लियर हुए थे, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सर हमारे पास 85 कैंडिडेट का ये जो था वो निकला था, 85 कैंडिडेट जो मतलब 85 कैंडिडेट्स की जो पोस्ट निकली थी उसमें से स्टिल 84 कैंडिडेट्स जो है वो पास आउट हैं और 1 जो सीट है वो वैकेंट है। सर यही होगा कि जल्द से जल्द सर जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। और सर जो कैंडिडेट्स अगर लगता है कि हमारे में भी इश्यूज हैं तो प्लीज उन हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दो, हम इनको रिटर्न में देते हैं। अगर मान लो मैं शिखा, अगर मेरी केस में कोई फाइंड आउट करते हैं तो सर वो मुझे जो है वो अभी ये मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? उसके बाद एग्जाम्स हुए, जैसे सीएचओ का पेपर आया, स्टाफ नर्स का फिर से शिमला से पेपर आया, हमने वो भी नहीं दिया क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका था, हमें लगा कि अब हमारा स्टेट का हो गया स्टाफ नर्स का तो हम अनदर साइड पे क्यों ज्वाइन करेंगे। बीच में नॉर्थ सेट का पेपर आया, सर हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम बार बार एग्जाम देने कभी दिल्ली जाएं, कभी नोएडा जाएं, कभी हमीरपुर जाएं, तो सर उसके लिए हमने इस पेपर की वजह से वो भी ज्वाइन नहीं किया। सर एक पेपर को देने के लिए बहुत टाइम से तैयारी करना पड़ती है, ऐसे नहीं मैं खुद 3 बार जो हूँ सर जो ये पेपर दे कमीशन दे चुकी हूँ, डीबी तक पहुंचना और डीबी के बाहर सर मेरिट लिस्ट में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये बाई लकली ही सबसे होता है। ऐसा नहीं है कि सर ये पोस्ट कोड दिया, हम अगर सर ये भी कहते हैं कि ये पोस्ट कोड आपका हो गया, नेक्स्ट चलो इसमें जो था वो हो गया, नेक्स्ट की तैयारी करो, सर ये तो बाई लकली ही ये जो गवर्नमेंट है ये क्लियर होते हैं, और ये पता नहीं सर कब होगा कब नहीं होगा, हो सकता है कि हमारे पास लास्ट ही चांस हो, ये चीज भी बन सकती है ना सर। तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई अपना घर के रहे ना घाट के रहे ना, कोई और एग्जाम दे पाए हैं, अभी ये एग्जाम दिया है। और बिल्कुल सही ये बात कही है कि गवर्नमेंट टेस्ट में मैक्सिमम ऐसा रहता है, जरूरी नहीं कि हर बार टेस्ट जो है वो क्रैक हो जाए। इनका ये कहना है यदि इस तरह की कोई संलिप्तता पाई भी जाती है, जैसे अभी जो है वो अनियमितताएं आई है, तो ये साइन करके देने को तैयार है और जो कोई दोषी होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये स्टाफ नर्स के कुछ बच्चे भी यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद है, हालांकि 84 इनकी पूरी संख्या है, बहुत बड़ा लॉट भी नहीं है, तो ये शॉर्ट हो सकता है, तो सरकार प्रशासन इसे देखे तो जरूर इस पर संज्ञान ले। मैं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी, लेते हैं आपसे इजाजत, देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।